उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत पर समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने आज खेरिया मोड़ चौराहे पर बैंडबाजे के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए जीत का जश्न मनाया। जीत की खबर पाकर सपा बसपा कार्यकर्ता गदगद नजर आए और जीत की खुशी में खेरिया मोड़ पर सपा कार्यकर्ता इश्तियाक अहमद, बीएसपी से सुनील कुमार, डॉक्टर साबिर खान राणा ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। न्यूज़ फ्रीडम के लिए आगरा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। आज जो जीत हुई है, इसका जीत का जश्न ईद और दीपावली से बेहतर और ज्यादा है, क्योंकि झूठ और सच्चाई की जीत हुई है। और इंशाल्लाह मैं मानता हूँ कि जो 19 की तैयारी हो गई और 19 में हमारे उत्तर प्रदेश से ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। सपा बसपा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सपा बसपा आगे चलेगी और नीचे स्तर से कार्यकर्ता भी मिलकर जुल के और काम करेंगे और पार्टी को दोनों मिलजुल कर बढ़ाएंगे। आने वाले सपा बसपा का आने वाले समय में हुआ और भतीजे की जोड़ी चलेगी, आपको भतीजी की भी जोड़ी चमकेगी। आपने देख लिया होगा कैसी जमी है, इस बारे में मनाया है कि डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की सीट जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें हमने भारी बहुमत से विजयी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि जोश की वजह से आज रिजल्ट निकल के आया है। और ऐसा रिजल्ट है कि जो सीएम और डिप्टी सीएम का सीटें जब हम ले सकते हैं तो हम वो दूर दूर नहीं, जो पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा और 2019 में सरकार हम खुद बनाएंगे और भारी बहुमत से बनाएंगे। आज ये जनता को मैसेज गया है इस बात का कि हम लोग सब एक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी तानाशाही से हम लोग परेशान हो गए हैं। आज जनता बिल्कुल परेशान हो गई है, कई बार और कारोबारों से लेकर हर चीज में इन्होंने को परेशान कर दिया। पब्लिक की सारी समझ में आ गया है कि अत्याचार के मामले में सबकी समझ में है और हम लोग अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।